एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में स्थित अटसैनी गांव पड़ी। वर्तमान में रानी को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 20,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। लगभग 8300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में 2030 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं अगर हम गांव में पेंशन लाभार्थियों की बात करें तो गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 277 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 100 हैंडपंप लगवाए गए हैं, 10 हैंडपंप और सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 500 विद्युत पोल, 25 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइस रोड, खडंजे, प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसीटाइस रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण व गांव में मौजूद ग्रामीणों को आवश्यकता अनुरूप पेंशन देने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान गांव में विकास कार्य कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार व केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि समय से न मिल पाने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। जाल पुत्र श्री ओसापली, मेरी पत्नी जो है रानी प्रधान है, गाँव अटसैनी, बिलाव तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़। हमने गांव में जो सरकार ने हमें पैसा दिया है, जो भी हमारे खाते में 14वें वित्त का और राज्य वित्त का पैसा आता है, तो उससे हमने जो हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं दो, तो नंबर एक, नंबर दो एक माध्यमिक विद्यालय है, उनमें हमने बाउंड्री वाल का काम कराया है, इंटरलॉक का काम कराया है, फ्लोर टाइल्स का काम कराया है, स्कूल में रंग पुताई, फर्नीचर और गाँव में जो टूटी सड़कें थीं उनके निर्माण कराए हैं, और गांव में जो है पानी की टंकी वगैरह का सबकी मरम्मत कराए कर पानी दे रहे हैं गांव को, बढ़िया स्वच्छ पानी दे रहे हैं। और जी गांव में थोड़ा सा पेंशनों की दिक्कत चल रही है, जो लोग विधवा पेंशन की व्यवस्था नहीं हो रही, पटवारी रिपोर्ट नहीं लगा रहा, आय प्रमाण पत्र बढ़ाए बढ़ाए कर लगा रहे हैं, वृद्धा पेंशन में भी यही दिक्कत है, विकलांग तो कुछ चल भी नहीं है। बोलो। मेरा नाम तहसीन अली, गांव मटसैनी, जिला हापुड़, ग्राम प्रधान अफजाल अहमद ने बहुत काम करवाए, सड़क बनवाई, लैट्रिन बनवाई, मकान बनवाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभी बहुत काम रहा है, गांव में सड़क रही हैं और कार्य रहे हैं, उनके पूरा करने के लिए हमारे ग्राम प्रधान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए।